एनजीओ डिवाइन चाइल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन में आप क्या क्या करते हैं? एक्चुअली हेल्थ और एजुकेशन में फोकस करते हैं। इट्स बीन लाइक 5 इयर्स। आई हैव डन लॉट ऑफ चैरिटी वर्क्स, बहुत सारे स्टूडेंट को भी स्पॉन्सर किया है, कैंसर पेशेंट, रोड मेंटेनेंस। What inspired you to take up this noble deed? It's a long story, बहुत लंबा कहानी है। बहुत साल पहले कोई आदमी आया था। Actually, I used to manage that event management, करता था हम। तो कोई आदमी आया, आके हमको बोला कि मेरा एक पेशेंट है, उसके लिए चैरिटी इवेंट कर दो बोल के। तो वो करके जो फंड आया हम उसको डोनेट कर दिया। तो वहाँ से हमको जो अप्रिसिएशन मिला, ये चीज़ हमको बहुत इंस्पायर किया। तो स्टिल ना वो उसका पैसे अभी तक भी हम यही करके रह रहे। How do you think that you will continue your work? Will you add some more people in your team or you will work alone? I don't know. बहुत आदमी तो आया है, approach करता है, still now there's lots of guys उसको काम भाई ना आते हैं। Remove, हमको तेरा साथ में काम करना है बोल के, but they guys are something like money. दिल से कोई आता नहीं। और क्या आपने सोचा है कि ये जो इनिशिएटिव है आपका, वो आप अरुणाचल से बाहर भी लेके जाएंगे? या सोच तो रहा है। अभी फिलहाल लास्ट ईयर भी हम ये टूर किया नागालैंड मणिपुर, तो वहाँ से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो देखता है क्या होगा। कभी आज तक हम किसी को मनी में, पैसा में कभी मदद नहीं मांगा, गाइडेंस में मांगता है।